12 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होती है फिल्म सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन साहब हैं और ऋतिक की एक्टिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है। आज है 13 जुलाई और मैं पहुंचा हूं एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर के बाहर, जहां पर मैं जानूंगा कि सेकेंड दिन ऑडियंस को कैसी लग रही है फिल्म सुपर 30, क्या कहना चाहेंगे ऋतिक सर का काम, उनका एक्सेंट, उनका डायलेक्ट, सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक्सक्लूसिवली इस जर्नी पे, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। आइए। You shot a video in front of Ritik's house. Yes, I am. From your video only I got to know where Ritik lives. Thank you so much. So sir, कैसी लगी आपको Super 30? Good, very good. Nice movie. We are a fan of Ritik Roshan. How what else can be taken? But content wise, it's very good. Okay. Engaging. Ma'am. Yeah, it's superb. I really love Ritik's performance and the story is really good. Okay. Yeah. It's actually pleasant seeing him after 2.5 years. Okay. Sir, अगर मैं बात करूँ Ritik की acting के बारे में, वो जो बिहारी एक्सेंट है, जो बिहारी डायलेक्ट है, क्या वो अच्छी तरह कैच कर रहे हैं? देखिए, आई वुड नॉट गो इन कंपैरिजन, बट इट इज एक्चुअली लुकिंग नेचुरल। ओके, इट्स एक्चुअली लुकिंग नेचुरल, नॉट एब्सोल्युटली लाइक व्हाटएवर वी हैव सीन इन यू नो गैंग्स ऑफ वासेपुर, बट इट्स क्लोज टू दैट। वाओ, आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स? 4.5। थैंक यू सो मच। बहुत चली। हाँ, कैसी लगी फिल्म आपको? सुपर 30, जस्ट लाइक ऑलवेज सुपर, नेम ही सुपर है। अच्छा, ऋतिक सर का काम कैसा है? ऋतिक सर ने बहुत दिनों बाद पहली बार मैंने उनको कैरेक्टर रोल में देखा है। ओके, बेस्ट कैरेक्टर रोल जो उन्होंने पकड़ा है, जो उसको प्रेजेंट करा है, जो उनके एसेंट है, वो ज़बरदस्त है जी। और अगर मैं बात करूँ, पंकज त्रिपाठी जी भी हैं इसमें, उनका काम कैसा है? पंकज त्रिपाठी इज जस्ट लाइक सोने पे सुहागा। अच्छा, हाँ, वो होता है ना एक तड़का, हाँ, साथ में वो उनका कैरेक्टर भले ही निगेटिव था, लेकिन जितनी बार वो स्क्रीन पे आया वो ज़बरदस्त। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 5 कम है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। सर, कैसी लगी आप लोगों को सुपर 30, थोड़ा बताएं। सर, फिल्म काफ़ी अच्छी थी, बट 2.25 घंटे में इसे समेटना थोड़ा मतलब इनजस्टिस हो गया अपने आनंद कुमार जी के साथ। बट फिल्म में कोई कमी नहीं थी, बट ये वेब सीरीज फॉर्मेट में भी आए तो काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी के साथ जस्टिस हो पाएगा। ओके, आपको कैसी लगी? सर, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोग सीख पाते हैं इससे, वो बहुत ज़रूरी है। कितने लोग चेंज कर पाते हैं अपने आप को, कितने लोग आगे की सोसाइटी में कुछ चेंज कर पाते हैं, तो शायद कुछ बढ़िया हो पाएगा जी। बाकी मूवीज ऐसे लोग देखते रहेंगे, भूलते रहेंगे। ओके, ऋतिक रोशन का काम बहुत अच्छा था, बट रंग काला करने की ज़रूरत नहीं थी। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हमें सिटीजन्स कह लो, हमें स्टूडेंट्स कह लो, या बहुत सारे टीचर्स कह लो, इसको देख के खुश तो बहुत होंगे और हम बोलेंगे कि ऐसी ही फिल्म्स बननी चाहिए, बट ये सब हम भूल जाएंगे महीने भर में, 1.5-2 महीने में हम सब भूल जाएंगे। ज़रूरी चीज़ ये है कि जो लोग वाकई में पॉकेट से बहुत मजबूत हैं, मतलब स्ट्रेंथेंड सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रेंथेंड पार्ट है, जिसके पास पैसा है, अगर वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं, और ये जो सड़क पे यहाँ पे अभी जब हम बाहर जाएंगे, हमें ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे दिख जाएंगे, चाय की दुकान पे कोई काम करता हुआ बच्चा दिख जाएगा, अगर उन तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही है, अगर आनंद कुमार हर स्टेट में, हर सिटी में खड़े नहीं हो पा रहे हैं वैसे टीचर्स, तो फेलियर तो नहीं कहूँगा मैं, चेंज तो आएगा कहीं ना कहीं, जब ओबामा तक बात पहुँच सकती है और रिकग्निशन मिल सकता है आनंद कुमार जी जैसे लोगों को, तो 100% हाँ, शुरुआत तो करेगी ये फिल्म कहीं ना कहीं। बट बात वही है कि जो हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, इन बच्चों की जो पैसों से मतलब सक्षम नहीं है, उनकी फैमिली सक्षम नहीं है, उनकी हेल्प कर पाएँ बस ये फिल्म देख के। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट जो है हमारी मोदी सरकार, अगर वो फ्री में कुछ उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सिनेमाज में आके फिल्म देखना, स्पेशली ये फिल्म देखना, तो वो बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी एक होप और एक बिलीव बन सके कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। ओके, मतलब वही है, वो थोड़ा वो मास तक पहुंचना, क्योंकि फिर मास मीडिया का कोई पॉइंट नहीं है अगर ये चीज़ मास तक नहीं पहुँचे, और जो तबका है वो पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, वो कुछ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, पॉपुलेशन बहुत है। बट ये फिल्म भी अगर हम उन बच्चों को दिखा पाएँ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी मतलब डायरेक्टर की और इस पूरी टीम की जीत होगी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 में इसको 3.5 तो दूंगा। सर, आप कितने? 4.4। थैंक यू सो मच। सर, क्या खास है फिल्म के बारे में? जिस तरह से वो पोर्ट्रे किया है, काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम चलता है यहाँ पे जी,
कि वहाँ पे IIT का पढ़ाई कैसे होता है जी, कैसे तरह से क्या चैलेंजेस फेस करते हो लोगों सब, काफ़ी अच्छे से दिखाया। ओके सर, अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के अंदर हमने ऋतिक रोशन को बिहारी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए देखा और एक बिहारी कैरेक्टर में देखा, वो जस्टिस किया है उन्होंने? काफ़ी अच्छे से एक्टिंग किया उन्होंने, उनका एक्टिंग काफ़ी अच्छा है, उन्होंने जिस तरह से उसका टोन वगैरह सब जो भी मॉड्यूलेशंस थे उनके काफ़ी अच्छे से किए उन्होंने। एंड पंकज त्रिपाठी जी, उनका तो एक्टिंग हमेशा का ही अच्छा ही रहा है जी। हम मिर्ज़ापुर वगैरह में भी देखे उनका एक्टिंग, तो वो तो खा ही जाते हैं रोल जो भी देते हैं वो जी, तो बहुत अच्छा एक्टिंग है सबका। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आई गिव 3.54 अराउंड। ओके सर, क्या ये समाज को देखनी चाहिए फिल्म, मतलब इतनी हार्ड हिटिंग है? इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म बिकॉज ये काफ़ी चीज़ों लोगों को पता नहीं है कि सुपर 30 क्या है, वो क्या काम करते हैं, वो सब पता नहीं, तो लोगों को देखना चाहिए, इट माइट बी एन आई ओपनर फॉर देम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसी लगी यार सुपर 30, थोड़ा बताओ। देखिए सुपर 30 के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ही बेस्ट मूवी है और मैं ऐसी मूवीज़ देखना ही पसंद करता हूँ जो इस तरीके की होती है। ओके क्यों, ऐसा क्या खास है फिल्म के अंदर अगर मैं बात करूँ तो? एक्चुअली फिल्म में इतना सारा मोटिवेशन है ना, जो आजकल के यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो मतलब किसी काम को किया जाए तो क्यों किया जाए, उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए, ठीक है ना, इच्छा होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उस फिल्म के अंदर बताई है जी। तो मोटिवेशन है, साथ साथ ऋतिक ने कुछ अलग हटके किया बहुत टाइम बाद। ओह ओके, तो ये मतलब एकदम ऐसा था कि वाह, वाह वाली फिल्म मेरे अंदर से तभी आती है भाई जब सच में कुछ वाह होता है। वाह हाँ। ओके पंकज त्रिपाठी जी, अरे पूछो ही क्यों ऐसा क्यों? वो तो मतलब एक्सप्रेशन से ऐसे मार देते हैं इंसान को तो मुर्दा आदमी भी मतलब उठ के बैठ जाए। और बाकी के और कलाकार कैसे, अमित सर हैं इसमें और मतलब अल्टीमेट सभी ने काम बहुत ज़बरदस्त किया है जी। जो ऋतिक के फादर बने थे उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, उसके बाद जो भी कलाकार थे सभी ने बहुत अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस की है, सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस की है, मतलब अगर मैं इसमें रेटिंग में नंबर भी दूंगा 10 out of 10। 10 out of 10, ये क्या बात है। समाज को एक क्या मैसेज देती है फिल्म ये? भाई इतनी मोटिवेशनल मूवी है कि इंसान देखने के बाद अगर कोई इच्छा शक्ति अगर इतनी सी भी हुई ना कुछ करने की, तो वापस एनर्जी के साथ करना स्टार्ट करेगा। अच्छा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैसी लगी यार सुपर 30, थोड़ा दर्शकों को बताओ। बहुत मस्त मूवी, इंस्पायरिंग मूवी है, मस्ट वॉच फॉर स्टूडेंट्स, जाके देखो एक बार, ऋतिक रोशन ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है मूवी में जी। स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो कितनी ज़्यादा ये मोटिवेट करती है लोगों को, और प्लस क्या आंखें खुल गई आपकी देखकर कि ऐसा भी होता है समाज में? हाँ मतलब वो थोड़ा सा ऐसा बॉलीवुड ने अपना तड़का डाला है ऑब्वियसली मूवी में, बट या मोटिवेट बहुत अच्छे से करती है मूवी, ग्रिपिंग वॉज नाइस, बस थोड़ा सा किधर किधर स्क्रीन पर थोड़ा वीक लगा, बट मूवी वॉज रियली गुड। जो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट था, थोड़ा सा फाइट टेंस का मिनट का कम होता ना तो और कनेक्टिंग लगती मूवी जी। ऋतिक सर का काम, उनका एक्सेंट, उनका पूरा फिजिकल अपेयरेंस, वो सब कैसा है? वो फिजिकल है मतलब वो ऐसे एक एक्टर रहेंगे जिनको मेकअप करना पड़ा खराब दिखने के लिए, उनका एक्टिंग वॉज रियली गुड। और एक जिनका मैं नाम लूँगा पंकज त्रिपाठी का, उनकी एक्टिंग सच्ची में अच्छी थी, और वो अभिजीत का भी वॉस रोल ओके, और बाकी स्टूडेंट लोग की भी एक्टिंग फर्स्ट क्लास थी। ओके ओके, आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4.5। ओके, एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप, समाज को क्या बोलना चाहोगे इस फिल्म के बारे में? ये मूवी सच्ची में पायरेसी करके मत देखो, ये भी बहुत बोलते हैं राहुल अपने इसमें, ये बहुत गुस्सा होते हैं, ये मूवी जाके एक बार अपनी फैमिली, बहुत टाइम की और फैमिली मूवी आई है, जाके एक बार देखो फैमिली के साथ, और पेरेंट्स लोग मूवी देख के बच्चे लोग पे मत चढ़ना, क्योंकि ये देखो गरीब बच्चे कर रहे, तुम भी यही करो, उन लोग को करने की बहुत डेडिकेशन रहते, अपने में भी रहते, बट तुम लोग को पेरेंट्स को ऐसा मोटिवेट होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बच्चों लोग को ठोपे कि तुम भी करो, ऐसा मत करो। ओके थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा बोला, थैंक यू। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी लगी फिल्म थोड़ा सा दर्शकों को बताएं? फिल्म अच्छी है, मीन्स ऑब्वियसली विकास बहल ने इसका डायरेक्शन अच्छे से किया है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्वीन जैसा डायरेक्टर डायरेक्शन नहीं है इस मूवी का, बट दिस इज़ ए इंस्पिरेशनल मूवी। ऋतिक ने एक अलग कैरेक्टर को किया है, जो ऋतिक जैसे नहीं है वैसे उन्होंने किया, हमेशा वो ग्लैमरस लुक में रहे हैं, इस बार उन्होंने एक बिहार का टीचर, यू नो लाइक स्मॉल टाउन का टीचर, बट दिस मूवी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर स्टूडेंट्स, जो भी यू नो जो भी ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नंबर मूवी। वाह वाह यार, आपने बोला कि ऋतिक रोशन डी ग्लैम अवतार और exactly, वो इतने ज़्यादा
यू नो हंक जो ग्रीक गॉड इमेज है वो नहीं लगी. तो मैं जानना चाहूँगा इसमें काम कैसा किया, और प्लस वो जो एक एक्सेंट पकड़ते हैं वो सब चीज़ें पकड़ी हैं ऋतिक ने, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है. काम ऋतिक ने अच्छा किया है, नो डाउट. उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ कैरेक्टर को कर रहे हैं, तो उतना परफेक्शन के साथ नहीं हो पाया, बट वट एवर ही हैज़ डन इट. उनका एफर्ट दिखता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस पर. जी प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आ जाती है कि वो मतलब बिहार से है नहीं, तो वो जो चीज़ है नहीं तो वो करने की जो उन्होंने कोशिश की गई उतना नेचुरल नहीं लग रही, बट स्टिल ही इज़ डूइंग एज एन एक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें. वाह वाह, पंकज त्रिपाठी जी हैं इसमें. अरे यार पंकज त्रिपाठी की बात ही क्या है, मतलब वो जहाँ भी जाते हैं जिस भी मूवी में होता है अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, और इस मूवी में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है. वाह वाह. बाकी के और कलाकार अगर मैं बात बाकी की अगर मैं बात करूँ तो मृणाल ठाकुर जितना भी उनका छोटा सा रोल है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बाकी की जो भी सपोर्टिंग कास्ट है, मेन मूवी तो ऋतिक रोशन के अराउंड ही घूम रही है, और जो ऑपोजिट में जो विलन है पॉलिटिशियन है उनके अराउंड घूमी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया. ओके अगर मैं बात करूँ बैकग्राउंड स्कोर का, म्यूजिक का, वो कैसा है? बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, मतलब लेकिन और अच्छा हो सकता था, उतना ठीक है. अकॉर्डिंग टू द मूवी इट्स ओके. ओके आउट ऑफ 5 कितने स्टार? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3.4. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. देखा दोस्तों आपने, ये है दूसरे दिन की ऑडियंस, और ऑडियंस ने कह दिया है कि ऋतिक रोशन साहब ने इस बार ऐसी फिल्म कर दी है जो कि उन्होंने अब तक के करियर में नहीं निभाया था, यानी कि एक स्पेक्टेकुलर कैरेक्टर. भाई दर्शकों ने तो अपनी लाइव प्रतिक्रिया आपको बता दी है, मुझे बता दी है. अब बारी आती है आप लोगों की जो कि ये चैनल देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं. कमेंट सेक्शन में जाइए फटाफट राइट, और जाके कमेंट करके अपने इस राहुल भोज को बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहते हैं, फिल्म देखी कि नहीं देखी. ओ बाय द वे, संडे को मैं फिर से फिल्म देखने वाला हूँ ये. तो ऐसे में दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितनी बार देखी, क्या कितने स्टार्स देंगे वगैरह वगैरह, सारी बातें. बने रहिए चैनल के साथ. राहुल भोज तो इसी तरीके के दिलचस्प रिव्यू लाएगा, और वो भी कैमरा पर्सन तुषार के साथ.